गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एंड फिजिक्स लवर अमन कुमार। आई होप आपने अभी तक क्या होगा लेक्चर 6 और लेक्चर 7 आपके कर लिए होंगे। लेक्चर 7 तक का इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया होगा और गॉस लॉ को भी पढ़ लिया होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गॉस लॉ। चलिए गॉस लॉ को आगे बढ़ाते हुए हम गॉस लॉ की एक अनदर एप्लीकेशन करते हैं, जो भी कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है मार्क्स लाने के लिए। तो हम आज बात करने वाले हैं कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ की। किसकी बात करने वाले हैं? कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ की। इस लॉ को जो हम प्रूफ करेंगे, इस लॉ को जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं आज, हम गॉस थ्योरम का प्रयोग करके इसको प्रूफ करेंगे। आपने पढ़ा होगा पिछले साल ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि जो फोर्स लगता है वो होता है हमारे पास जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर होता है। ये हम ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में पढ़े थे जब मास दिए हुए थे। इसी फोर्स को हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ा, जब चार्ज दिए रहते हैं तो हमने उसे पढ़ा था कि q1 q2 अपॉन r स्क्वायर के नाम से हमने पढ़ा था। यानी फोर्स जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर होता है। इसी लॉ को हम बोलते हैं कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब हो गया कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। इस चीज को आपको प्रूफ करना है। तो फिजिक्स में एक्चुअली होता क्या है, जब भी हमें किसी फॉर्मूले को प्रूफ करना होता है तो उसके पहले के जो फॉर्मूले हैं उसे आप आइडेंटिफाई कीजिए ताकि आप इस फॉर्मूले तक पहुंच सकें। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, हमें इस चीज़ को निकालना है। तो चलिए पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। अपन फोर्स निकालने के लिए क्या करें, अपन इस चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू। आपको शायद याद होगा हमने ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है ना, फोर्स एफ अपॉन क्यू होता है। अगर आपको एफ निकालना है तो बताइए यहाँ से, अगर आपको एफ निकालना है तो आप यहाँ से एफ इज इक्वल टू ई क्यू कर देंगे। क्या कर देंगे? एफ इज इक्वल टू ई क्यू कर देंगे। जैसा कि आपने देखा हमें फोर्स निकालना है तो एफ इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया है, ई क्यू कर दिया है। अब आप देखिए, अगर आपको फोर्स निकालना था तो फोर्स निकालने के पहले आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको उसके पहले भी कोई और फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने बोला गॉस लॉ के नियम के अनुसार ही इसे हम प्रूफ करेंगे। तो गॉस जी जो थे उन्होंने बताया था फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट एस होता है। क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस होता है। ये फ्लक्स कहलाता है, एस जो होता है वो एरिया कहलाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पता चल जाएगी। यानी कि हमें पूछा ये निकालना था, हमें प्रूफ ये करना था, लेकिन हमने क्या किया, पहले इसको प्रूफ करने के पहले हमें एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एफ जो होता है उसके पहले हमें ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ई का निकलेगा हमें यहाँ से। यानी कुल मिला करके हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले हम इसको करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको मेरे हिसाब से पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर आपको कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ करना है तो उसके पहले हमें सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला, फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूले पे आ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था गॉस लॉ को, जब भी हम प्रूफ कर रहे थे गॉस लॉ को, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, एक सरफेस बनाई थी, इमेजिनरी सरफेस, और क्या माना था सरल करने के लिए, स्फीयर माना था। क्या माना था? स्फीयर। तो चलिए यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर कंसीडर करते हैं जिसकी सेंटर जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओ है। हमने क्या माना है, एक स्फीयर माना है जिसका सेंटर क्या दिया हुआ है हमारे पास, ओ दिया हुआ है। फिर आप इधर देखिए, ये जो रेडियस है ये इट इज अ क्या है, ये हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या माना, इसकी ओ सेंटर हो गया है, आर क्या हो गया है, रेडियस हो गया है। फिर हमने क्या बोला था, सेंटर पर एक चार्ज रखेंगे, तो हमने सेंटर पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया है, और यहाँ पे एक पी पॉइंट कंसीडर करके हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ रख दिया है। यहाँ पे हमने क्या रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, और यहाँ पे हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। हमने पिछली क्लास में जब गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास वहां पास का एरिया वेक्टर भी होता है। यानी उन दोनों के बीच में थीटा बराबर क्या होता है, हमारे पास 0 डिग्री हो रहा होता है। जो भी चीज हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि हमने जो चीज भी मानी है ना डायग्राम में, उस चीज को हमें लिखना होता है। तो चलिए अपन ये सारी चीजें इसमें लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, टेक अ इमेजनरी स्फीयर। क्या माना है हमने, एक इमेजनरी स्फीयर माना है। टेक अ इमेजनरी स्फीयर, टेक अ इमेजनरी स्फीयर हमने क्या माना है, एक इमेजनरी स्फीयर माना है, हैविंग रेडियस, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या दी हुई है, हैविंग रेडियस आर विद सेंटर ओ, और उसका सेंटर क्या दिया हुआ है हमारे पास, बताइए सेंटर हमने क्या माना है,
विद सेंटर ओ। और क्या चीज आपने इस डायग्राम में माना है? आपने माना है कि कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो कहां पे रखा हुआ है? सेंटर पे। तो आप इसे भी लिख दीजिए, कैपिटल क्यू इज लोकेटेड एट, कहां पे रखा हुआ है? लोकेटेड एट सेंटर। हमने कैपिटल क्यू चार्ज को कहां रखा है बताइए? सेंटर पे रखा है। कहां पे रखा है? सेंटर पे रखा है। और स्मॉल क्यू चार्ज को कहां पे रखा है? स्मॉल क्यू चार्ज को हमने कहां पे रखा है बताओ? एट पी पॉइंट, पी पॉइंट पर रख दिया हमने, ठीक है ना। हमने क्या किया है, सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे क्यू पॉइंट रखा है, यहाँ पे स्मॉल क्यू रखा है, यहाँ पे कैपिटल क्यू रखा है, ठीक है ना। चलो अब आप बात बताओ, फ्लक्स की वैल्यू अगर मुझे लिखनी होगी तो आप लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ किसके लिखना है अपने, अपन लिख रहे हैं स्फीयर का, तो क्या होगा बताओ? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, ई डॉट क्या होता है हमारे पास, ई डॉट एस वेक्टर होता है। अगर अपन इसे लिखेंगे तो ई की वैल्यू अपने को पता नहीं है, लेकिन अगर हम डॉट प्रोडक्ट में जब लिखते हैं तो ई एस कॉस थीटा होता है। बोलो ये पता है कि नहीं पता है? कल ही बताया था मैंने कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू अगर ई डॉट एस होगा तो उसे अपन ई एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है हमारे पास, ए बी कॉस थीटा होता है। cos थीटा की वैल्यू यहां पे जीरो हो जाएगी, तो यहां से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ES आ गई। क्या आ गई? ES। क्या आप बता सकते हैं S कितना होगा? S इज द एरिया ऑफ दिस स्फीयर। कल हमने देखा था कि जो फ्लक्स की इसका स्फीयर का जो हमारे पास एरिया होती है वो होती है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपके पास फ्लक्स आ जाएगा E into 4 पाई r स्क्वायर। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। यहां तक आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए, इस वीडियो पॉज करके यहां तक लिख लो कि सबसे पहले हमने क्या किया है, इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया है, एक चार्ज क्यू रखा है जो कि सेंटर पर रखा हुआ है, और पी पॉइंट पर हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया है, और इस सरफेस पर जो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है हमारे पास, ई एस होता है, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, ठीक है ना, आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। आपने क्या किया है, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा है और कुछ नहीं किया है। फ्लक्स का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका था, ई डॉट एस होता है, जिसकी वजह से हमने यहां पे लिख दिया है। चलो बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 आई है आपके पास ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आई है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला है। अच्छा, गाउस के नियम के अनुसार आप बता सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ के नियम के अनुसार हमने फ्लक्स को क्या बोला था? हमने बोला था कि क्यू अंदर वाला चार्ज, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोले थे कि नहीं बोले थे, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोले थे। जो हमारे पास फ्लक्स हमने बोला था, किसी भी स्फीयर का यदि मुझे फ्लक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला गाउस के नियम के अनुसार आया था, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना दिया हुआ है आपके पास, क्यू इनसाइड जो दिया हुआ है वो कैपिटल क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कैपिटल क्यू दिया हुआ है। तो यहां से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम के अनुसार हमारे पास आता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। चलिए, अच्छा यहाँ पे भी फ्लक्स लिखे हैं भैया और यहाँ पे भी फ्लक्स लिखे हैं, यानी दोनों इक्वेशन इक्वेट कर सकते हैं अपन कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कर रहे हैं अपन, बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पहले और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करने पर हमारे पास मिलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना चाहिए था इस फॉर्मूले के लिखने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। ये इक्वेशन निकाले कैसे पता चल गया ना, सबसे पहले हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता हुआ था, E into 4 pi r square वहां से आ गया था, और गाउस के नियम के अनुसार फ्लक्स बराबर होता है Q upon epsilon naught। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं, दोनों समीकरणों को अगर बराबर करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई Q upon epsilon naught into 4 pi r square। अब निकालना क्या है बताओ, निकालना क्या है अपने को, निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, E into Q। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया है, E into Q। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, फोर्स का फॉर्मूले में रख देते हैं, F is equals to क्या लिख देते हैं, फोर्स इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हम क्या लिखना चाहते हैं, फोर्स की वैल्यू कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन लिखी रहने देता हूँ मैं,
ठीक है ना। चलो तो फोर्स एट पी पॉइंट, फोर्स एट पी पॉइंट, फोर्स एट पी पॉइंट, पी बिंदु पर फोर्स बाय चार्ज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू के कारण, कैपिटल क्यू के कारण पी पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो उसे अपन बोल सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल रखा है क्यू इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एफ इज इक्वल्स टू हमने क्या बोला, ई क्यू होता है, जो कि हमारे पास आ गया कि क्यू क्यू ई, तो ये छोटा क्यू तो हमने इस पर निकाला था इसलिए लिख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया था हमारे पास तो इसको रख दिए। तो देखो आपके पास जो फोर्स का यहाँ से फॉर्मूला आ गया है, वो फॉर्मूला क्या आ गया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया है, क्यू इंटू क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्या आप बता सकते हैं के की वैल्यू क्या होती है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे के इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था कि 1/4 πε0 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो चलिए इसमें एलिमिनेट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा फॉर्मूला, बाकी उसमें कुछ फायदा नहीं है अपने को ज्यादा, बट थोड़ा फॉर्मूला अच्छा लगने लगेगा। तो 4πr² 4π और ε0 को हटा करके हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं k q q अपॉन r स्क्वायर। आप ये देखेंगे कि आपको जो फॉर्मूला डिराइव करना था ना, आपको सबसे वही फॉर्मूला आके मिल गया। इस फॉर्मूले को डिराइव करना था के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, तो दो चार्ज क्यू और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू हो गए और आर स्क्वायर, यानी ये आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? आप यहाँ से बोल सकते हैं ना कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूफ करना था वो हमारे पास प्रूफ हो गया है। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हमें बहुत सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास याद होना चाहिए, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई एस होता है, ई डॉट एस होता है, क्या होता है, ई डॉट एस। ई डॉट एस को खोल दिया तो ई एस कॉस थीटा मिल गया। फिर इसके बाद आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, आप ये भी जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो दोनों फ्लक्स को हमने इक्वेट कर दिया तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, और एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू का फॉर्मूला लगा करके हमने फोर्स निकाल लिया। यही था हमारा कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना? आपको अगर समझ में आया है तो इसको आप नोट्स में मेंशन कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। कल मिलते हैं फिर, ठीक है ना, अगले लेक्चर में, अपने लेक्चर नंबर 9 में।